क्या बोरोप्लस का बॉडी लोशन ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है? क्या ये ड्राई स्किन पर भी इतने अच्छे से वर्क करता है? और क्या जो इसने सारे क्लेम किए हैं, क्या ये वो सारे क्लेम को सही साबित करता है? और क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी गाइडर। और फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, ये है बोरोप्लस का केसर दूध बॉडी लोशन। और फ्रेंड्स, ये इस टाइप की प्लास्टिक की पैकेजिंग में आता है। फ्रेंड्स, इसका इस टाइप का फ्लिप फ्लॉप वाला कैप है। इससे ज़्यादा बड़ा वेरिएंट भी आता है जो कि पंप में आता है। बट फ्रेंड्स, ये 300 ml की क्वांटिटी का है। और फ्रेंड्स, इसका प्राइस भी 300 rupees का है, बट ये ऑफर में था, बाय वन गेट वन मुझे ये मिल गया था। और फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा, चाहे आप इसको ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए, हर जगह ये प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या क्लेम करता है? फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करता है कि 24 hours तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन को जो सॉफ्ट एंड सफल बनाएगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, कि इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है दूध, केसर, वाइटामिन ई, और इसके अंदर किसी भी पैराबिन का यूज़ नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है कैसा, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विडी टाइप की कंसिस्टेंसी है। ये देखिए, एकदम लिक्विडी टाइप का प्रोडक्ट है ये। और फ्रेंड्स, ये एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, जैसे हम अपनी स्किन पे मिलाई जो होती है ना, मिलाई लगा लेते हैं, उस टाइप से ये मुझे लगता है। इसकी फ्रेग्रेंस ठीक है, एकदम माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बट एब्जॉर्ब होने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करता है? फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपकी स्किन पर ना एक शाइन से लेके आता है। ये देखिए, एक चमक सी आएगी स्किन पर, ये देखिए एक चमक सी आएगी। और ये वाली स्किन एकदम वैसी लग रही है, बट ये थोड़ी चमक चमक सी लग रही है, जैसे मिलाई लगाने के बाद एक शाइन सी आ जाती है, उस टाइप से आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू की, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट जो है ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है। तो नहीं फ्रेंड्स, मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, बट मेरी स्किन पर इस प्रोडक्ट ने इतने अच्छे से वर्क नहीं किया है। मुझे इसको लगाने के बाद भी हल्का हल्का ड्राई लगता है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करता है कि 24 hours तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये 4 to 5 hours के बाद भी मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी स्किन ड्राई लग रही है, मुझे इसको रीअप्लाई करना पड़ता है। हाँ फ्रेंड्स, जो जिनकी स्किन ऑयली है या फिर जिनकी स्किन नॉर्मल है उन पर ये वर्क कर सकता है, उनके लिए ये ठीक है। बट जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मतलब ठीक नहीं है इन द सेंस कि वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, आपको रीअप्लाई इसको करना पड़ेगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये बात करी जाए कि क्या ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, तो फ्रेंड्स अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग मुझे लग रही हो, मुझे ओके टाइप लगा, मुझे नॉर्मल लगता है, ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आया कि जिसको लगाने से मेरी स्किन के अंदर ग्लो आ रहा हो। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये एक एंटीसेप्टिक का भी वर्क करता है, अगर आपको कहीं कट गया है, जल गया है, छिल गया है, इस टाइप से कुछ भी प्रॉब्लम है तो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। 1 month हो गया है मुझे इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, अभी तक तो मुझे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।